तो कैसा लगा मेरा खामोशी? कई सवाल उफन रहे होंगे आपके मन में कि आखिर में मैं इतनी देर चुप क्यों रहा। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ गौतम और स्वागत करता हूँ रॉयल रिपोर्टर पर। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ वो कोई मामूली स्थान नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। यह है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, और वहाँ और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यह है सांस्कृतिक मंच जहाँ से इस मेला का शुभारंभ होता था और इस मेला का उद्घाटन होता था। कई नेता, कई बड़े कलाकार, दिग्गज कलाकार यहाँ पर आया करते थे। संचय बना हुआ था कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन से यह मेला शुरुआत हो जाता था और सोनपुर ही नहीं पूरे बिहार और भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करता था। सवाल उठता है और बहुत सारे सवाल मन में हैं सभी लोगों के कि क्या इस बार मेला लगेगा कि नहीं, सोनपुर मेला लगेगा कि नहीं। तो बने रहिए, इन्हीं सवाल को जवाब आज हम ढूंढने आ चुके हैं इस विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला में। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मछली है। ये मछली पानी से बाहर निकल चुकी है और ये मरने के कगार पर है, आज छटपटा रही है। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, हालांकि इसे हम जीवन दान देते हैं। तो आपने देखा वो मछली बिन पानी के तड़प रही थी, बिलख रही थी। आज कुछ नज़ारा इसी प्रकार है सोनपुर का यह भाग, जो एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजना शुरू हो जाती थी, लेकिन आज यहाँ पर पानी है, गंदगी है और मेला नहीं लग रहा है। ठीक उसी मछली की तरह आज कराह रही है ये भूमि। और मैं नज़ारा और दिखाना चाहता हूँ, मेला न लगे वो अलग बात है। यह भाग है, कह सकते हैं इसे मेला का हार्ट, दिल, धड़कन। यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ से आप चले जाइएगा, यहाँ पर आपको कपड़ा बाज़ार, लकड़ी बाज़ार, चिड़िया बाज़ार, और इधर तो सांस्कृतिक भवन है ही। और ये है कृषि मंत्रालय द्वारा यहाँ पर कृषि ग्राम लगाया जाता था, अत्याधुनिक सारी चीज़ें बताई जाती थी। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये सारे के सारे जो ढह रहे हैं कृषि मंत्रालय द्वारा, देखिए बनाया गया, वो सारे के सारे जो ढह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आज सोनपुर अपने अस्तित्व को खो रहा है। जी हाँ, सोनपुर के अनेकों अस्तित्व थे, जहाँ पर यहाँ पर देव भी आया था, जिसका मैं एक श्लोक जैसा सुनाना चाहता हूँ कि हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। त्रेता युग द्वापर का यह छंद था जब यहाँ पर आए थे गज की पुकार पर भगवान कृष्ण स्वयं। लेकिन आज कौन आ रहा है, आज सोनपुर मेला नहीं लग रहा है, इसका कारण भी बताऊंगा, सारे विश्लेषण भी बताऊंगा। लेकिन सवाल फिर से उठता है कि आखिर में वो टूट रहा है, उसका प्रबंध क्यों नहीं हो रहा है? सोनपुर इस स्थान को एक महीने ही क्यों दुल्हन की तरह सजाया जाता है, 12 महीने क्यों नहीं है? अपने आप में बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी उठता है कि अगले महीने में मेला लगेगा, लेकिन यहाँ पर पानी है, काई है, गंदगी है, जो कि एक महीने में साफ होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह संकेत दे रही है कि इस बार मेला नहीं लग रहा है, और सरकार की सुगबुगाहट भी इसमें नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। श्रीमान, आप यहीं के हैं? हाँ। मेला इस बार लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या आपको लगता है? सरकार का जो नीति है वो स्पष्ट है कि मेला यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि जब से सरकार आई है तब से मेला का विकास का कार्यक्रम जैसे रुक गया है। अच्छा। एक महीना बचा हुआ, मेला तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगता है तो हाँ, कैसा लगेगा महसूस आपको, कैसा लगेगा? सुना सा जैसे अभी है वैसे लगेगा। जी धन्यवाद, मैं अब इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। देखिए कोशिशें हो रही है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नेता है जो कोशिशें कर रही है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी, लेकिन बड़े तकबे के जो भी नेता है वो खुलकर अभी मेला के विषय में नहीं बोल रहे कि मेला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। कुछ नेता है जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका भी प्रयास सिर्फ अपने चेहरों को चमकाना है, न कि इस ऐतिहासिक स्थल को, इस ऐतिहासिक मेला को उसकी पहचान दिलाना या उसे लगाना है। कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। तो जो आप भैंस देख रहे हैं शायद ये अभी नहीं होती अगर मेला लगता, क्योंकि यहाँ पर सारे कारीगर, सारे मजदूर यहाँ पर भरे पड़ रहे। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, हर एक साल इसी प्रकार से पानी यहाँ पर लगता है, और मैं अभी पानी में हूँ, यहाँ पर अच्छी पानी है। अगर मेला लगता तो ये सारा पानी हट जाता और यहाँ पर बालू मिट्टी सारे डालकर इसको तैयारी कर जाता। लेकिन साथ ही इस बार कहीं ना कहीं आसार लग रहे हैं कि मेला नहीं लगेगा, और ये मठ मैला पानी, गंदा पानी, ये सिर्फ किसी भूमि पर या सोनपुर के इस भाग पर नहीं है, बल्कि सोनपुर के इतिहास, बिहार के इतिहास और भारत के ऐतिहासिक स्थल पर ये मठ मैला पानी कहीं ना कहीं कलंक के रूप में बसा हुआ है। सवाल अब उठता है, सरकार कहीं ना कहीं अंदर से ये सोच रही है कि कोरोना की वजह से। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि
इस काल में भी हमने चुनाव देखे, रैलियां देखी और बहुत यहाँ पर बिहार में भी चुनाव हुआ। और साथ ही साथ अभी आप देख रहे हैं बिहार पंचायत में भारी भीड़ है, जिसका मैंने वीडियो भी थोड़ा सा प्ले कर दे रहा हूँ साइड में। आप भी देखिए उस भीड़ से क्या कोरोना होने की आशंका नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि व्यापक स्तर पर आप कीजिए, हमने देखा दुर्गा पूजा भी हुआ छोटे स्तर पर, लेकिन भीड़ तो वही थी ना, भीड़ तो वही थी, लेकिन फिर सोनपुर के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों, सवाल ये उठता है। और स्थानीय स्तर के कुछ यहाँ पर नेता है, उनकी भी मनशा कहीं ना कहीं सोनपुर को लेकर स्पष्ट नहीं है। आप बीजेपी के लीजिए या जदयू के लीजिए या अन्य पार्टी के कोई भी नेता, बड़े स्तर के नेता या वरिष्ठ नेता कहते हैं जिसे हम, वो खुलकर इस पर नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लिया है कि इस बार सोनपुर मेला को नहीं लगने दिया जा रहा है। सोनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष अमजद हुसैन ने आज पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से अपील किया कि हमें सोनपुर मेला लगाने के लिए अनुमति दिया जाए, हम अपने स्तर पर लगाएंगे। लेकिन फिर से सवाल उठता है, क्या सोनपुर नगर पंचायत सक्षम है इनको साफ सफाई करने में, पानी को साफ सफाई करने में? सरकार कम से कम आप मेला नहीं लगाते तो कम से कम ही तो कछवा देते इसके लिए। ये तो कहीं पाकिस्तान में नहीं पड़ता, ये तो भारत का अभिन्न अंग है, बिहार का अभिन्न अंग है, आपके क्षेत्र में पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता इसीलिए माननीय नीतीश बाबू इससे इतना दूर या सौतेलापन व्यवहार करते। सवाल बहुत बड़ा है, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसका सरोकार सोनपुर वासियों से है तो आपको गलत है। ऐसे ही एक एक करके आपके सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहरों को दबा दिया गया, छिपा दिया गया और बर्बाद कर दिया गया। आज कहीं ना कहीं सिमट रही है और सोनपुर कहीं ना कहीं करा रही है। आज मैं मर रही हूँ, नहीं कुछ कर रहे हो, बहुत बड़े स्तर पर खुलकर कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, खुलकर आना चाहिए। मैं एक सवाल के साथ और एक वाक्य के साथ इस चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ कि किसी को खोने का कम वही समझ सकता है या किसी ने कुछ चीज खोया हो या किसी को खोने का डर हो। आज बहुत ऐसे चीज थे, हरियर क्षेत्र महाक्षेत्रों में जाना जाता था, यहाँ पर भगवान विष्णु का आगमन हुआ, यहाँ पर गांधी जी आए, यहाँ पर सुगौली संधि हुई थी, यहाँ पर जल भरत जी का वो आध्यात्मिक स्थल रहा है, साथ ही साथ हरियर नाथ भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक लिंग में स्वरूप है। तो ऐसे सारे चीज तो छीन लिए गए, बचा था आपके पास सोनपुर, वो भी सिकुड़ता जा रहा था, उसमें से पशु हटा दिया गया था, सिर्फ मेला बचा था। और अब इस घुट रही और टूट रही सांसों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या इसे आप मरने देते हैं कि नहीं? यहाँ पर मैं सवाल छोड़ता हूँ और कमेंट करके बताइए मुझे, और इसे कम से कम वीडियो को शेयर करिए, देखते हैं आज कितना लोग शेयर करते हैं। मुझे सोनपुर से नहीं, मुझे पूरे उन ऐतिहासिक लोगों से बात करना चाहता हूँ, उन लोगों से जो कि इतिहास को चाहते हैं कि उसे वैश्विक पटल पर रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं साजिश हो रही है इसे दबाने की। तो करिए शेयर, दूसरा कोई तो ऑप्शन है नहीं।